देखिए एक हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं और उसमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था, मीन्स फाइनल रिजल्ट हमारा दिया हुआ था, ठीक है। हमें बस वही निकाल के दिखानी थी। अब इसमें क्या है कि एक्सप्रेस करनी, मीन्स इसकी रिजल्ट लेके आनी है। एक्सप्रेस कॉस टू द पावर 5 थीटा और साइन टू द पावर मीन्स 3 थीटा बोलिए, या साइन क्यूब थीटा बोलिए सिंपल, ठीक है। तो क्या है कि इन टर्म्स ऑफ साइंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्म में लानी है, मीन्स इसकी वैल्यू लेके आनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लीज़ इस चैप्टर को जाके देखिए पूरा कंप्लीट, स्टार्टिंग से पढ़िए। बहुत इजी चैप्टर है और इससे पहले वाला भी चैप्टर हो चुका है, ठीक है, और अदर्स भी चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एक कैलकुलस चैप्टर भी हो चुका है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा है, तो देख सकते हैं जाके, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब आते हैं बात इस क्वेश्चंस पे, और उससे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से होगा तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट दैट हम क्या जानते हैं कि देखिए 2i sin थीटा का जो वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं x-1/x, ये हमारी वैल्यू होती है 2i sin थीटा का वैल्यू x-1/x, और 2 cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारी x+1/x होती है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं ना। अब हमें चाहिए क्या कि cos टू द पावर 5 थीटा, मीन्स इसमें क्या करना होगा, तो पावर मीन्स हमारा क्या कि होल पावर 5 करनी होगी, बोथ साइड से लेनी होगी, और इसमें साइन वाले में क्या लेना है, क्यूबिंग लेना है, क्यूब लेना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i sin थीटा का ये हम होल क्यूब करेंगे, ठीक है, 2i sin थीटा का होल क्यूब करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 cos थीटा का पावर यहाँ पे 5 करेंगे, ठीक ना। तो इधर हम जब कर रहे हैं कि मीन्स LHS में कर रहे हैं, तो RHS में भी सेम टू सेम होगा हमारा, तो इसकी जो साइन है मीन्स हमारा x-1/x ये हमारी क्यूब हो जाएगी, और यहाँ पे x+1/x इसकी पावर हमारी 5 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे तो हम बोल सकते हैं क्या कि देखिए यहाँ पे ये 3 है, तो ये टर्म्स में भी 3 होगा और 2 हमारा एक्स्ट्रा होगा, तब तो जाके हमारा 5 है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये जो टर्म्स है 3 और यहाँ से टर्म्स है 3, तो दोनों को ले लेते हैं, कॉमन आउट कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन एक जो हमारा बचेगा तो उसको हम लोग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा हुआ ना x-1/x की पावर ये हमारी 3 है, यहाँ पे x+1/x की पावर एक 3 लिख सकते हैं और x+1/x की पावर एक 2 ले सकते हैं, क्योंकि देखिए बेस सेम होता है तो पावर हमारा एडिंग होता है, तो पावर 5 हो गया। इसी टर्म्स को हम थोड़ा सा स्प्लिट कर दिए, ठीक है, इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, और ये दोनों को एक साथ रख सकते हैं, ये दोनों को एक साथ रख सकते हैं, और इसके हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देते हैं उसको, ठीक है, अलग रख देते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा जो होगा तो ये क्या होगा ना कि ये जो टर्म्स है हमारे किस फॉर्मेशन में आएंगे पता है, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ये देखिए एक प्लस में एक माइनस में है, मीन्स हम बोल सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी को क्या लिख सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यही फॉर्मेशन में हमारा है, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के ही फॉर्मेशन में है, मीन्स बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और इसकी जो होगी दोनों की ये हमारी क्यूबिंग है, इस वजह से हमारा क्यूबिंग हो गया, है ना, देख सकते हैं सेम टू सेम इसी तरीके से है। देखिए यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में है, और इसी तरीके से हमारा स्क्वायरिंग है, मीन्स यहाँ पे क्यूबिंग हो गया ना, तो यहाँ बोस में साइड्स में भले क्यूबिंग है बाहर में, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि ये जो फॉर्मेशन है इस फॉर्मेशन में ही डला हुआ है ना, तो ये हमारा स्क्वायर स्क्वायरिंग तो होगा ही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और ये हमारा क्यूब तो होगा ही, एंड देन यहाँ पे क्या होगा x+1/x की ये हमारी होल स्क्वायर हो जाएगी। देखिए इसकी बेनिफिट क्या हुई कि हम दोनों को एक साथ रख लिए, मीन्स इसको स्प्लिट किए तो क्या हुआ ना। अब देखिए इसकी जो हमारी एक्सपेंशन होती है, इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, जैसे कि हमारी नॉर्मल एक्सपेंशन होती है, इसकी एक्सपेंशन नॉर्मल क्या होगी, तो एक्स स्क्वायर से स्टार्टिंग होगा, होगा ना इसकी एक्स स्क्वायर से स्टार्टिंग, लेकिन इसकी जो एक्सपेंशन होगी तो इसके भी तो होगी, मतलब एक्स क्यूब से स्टार्टिंग होगी, तो एक्स क्यूब से तो स्टार्टिंग होगी, लेकिन किसकी क्यूब, इसके ऊपर हमारा क्यूब होता है, मीन्स एक्स यहाँ पे जो टर्म्स रहते हैं उसके ऊपर हमारा यहाँ की वैल्यू आती है, तो मीन्स एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और मल्टीप्लाई करवा रहे क्या, ये हमारा क्यूबिंग, मीन्स हमारा क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 से ये हमारा स्टार्ट होगा, होगा ना, ये जो एक्सपेंशन होगी एक्स टू द पावर 6 से स्टार्ट होगी, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे एक्स टू द पावर 6 से इसको स्टार्टिंग करते हैं। ओके हम ऊपर इरेज कर देंगे, इरेज कर देते हैं थोड़ा ताकि देखिए इजी हो, एक्स टू द पावर 6 से स्टार्ट करेंगे इसको,
समझ में आया ना? तो यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर 6, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग करें x टू द पावर 6 से, देन, तो फिर क्या होता है, फिर देन हमारा होता है 3c1 होती है ना, तो 3c1 तुम लिखेंगे माइनस, यहाँ पे हमारा माइनस वाला टर्म्स चल रहा है, तो एक्चुअली में क्या होता है, माइनस वाले जो टर्म्स होते हैं वो हमारे साइन के लिए होते हैं, है ना, साइन देखिए 2i sin थीटा माइनस के लिए, तो हो गया 3c1, और आई की क्या है यहाँ पे, तो एक्स की पावर एक कम आती है, मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे जो होगा वो एक्स टू द पावर 4 होगा कम, मीन्स यहाँ 5 नहीं हो सकता कम, यहाँ पे 4 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ पे एक्स वाले एक्सपेंशन में लेते हैं मीन्स ए वाला टर्म्स में, तो एक आता, एक कम आता है, यहाँ पे हमारा 2 कम आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायरिंग वाला टर्म्स है, तो हमारा यहाँ पे 2 कम आएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड में जो होगा वो डिवाइड में किस तरीके से होगा, तो 1/x² होगा ना, 1/x जैसे वहां होता है डिवाइडिंग, 1/x² वाला चलेगा हमारा सिंपल, देखिए ये जो एक्सपेंशन था x का उसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायरिंग है, जहां पे x हो रहा था वहां पे स्क्वायर कर दीजिए बस, और कुछ भी नहीं चेंजेस है, ठीक है ना, तो हमारा ये हो गया 1/x² हो गया, देन प्लस यहाँ पे क्या होगा, तो 3c2 होगा, होगा ना 3c2 यहाँ तक तो जाएगा, और एक्स टू द पावर अब देखिए यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ही माइनस होगा हमारा, होगा ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर माइनस होगा, तो यहाँ पे जाएगा 3c3 तक जाएगा, अब बस इतना ही जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो एक्स की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी, और यहाँ 1/4 में क्या होगा, एक्स टू द पावर क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो ये इसकी एक्सपेंशन हो गई, इसकी एक्सपेंशन, ठीक ना, अब इसके एक्स प्लस 1/x की होल स्क्वायर की एक्सपेंशन करेंगे, तो कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, तो एक्स स्क्वायर से स्टार्टिंग होगा, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, एक्स स्क्वायर से स्टार्टिंग, फिर यहाँ पे एडिंग है, ये प्लस वाले टर्म्स है ना, तो सारा एडिंग होता है, और माइनस वाले टर्म्स में एक प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से होते हैं, ठीक है, साइन के लिए और कॉस के लिए सारा पॉजिटिव होता है, तो इसका जो होगा वो हमारा क्या होगा, 2c1, और यहाँ पे जो होगा वो हमारा एक्स होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या होगा बच्चे, तो मल्टीप्लाई में भी हमारा क्या होता है, 1/x होगा, फिर यहाँ पे लिखते हैं प्लस, यहाँ पे क्या होगा 2c2, तो यहीं तक जाएगा हमारा, और x टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 0, और मल्टीप्लाई में 1/x², तो ये टर्म्स इसके हो जाएंगे, ठीक है, तो एक्सपेंशन ये हमारा हो गया, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा जो हमें निकालने दिया गया था, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, x टू द पावर 6 माइनस, यहाँ पे तो 3 वैल्यू होगा, x² मीन्स हमारा कैंसिल आउट होगा, फिर यहाँ पे प्लस, ये हमारा 3 रहेगा, x² यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो x² बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो 1 ही होगा, और यहाँ पे 1/x⁶, इस तरीके से हो जाएंगे इसके रिजल्ट, फिर यहाँ पे देखिए ये हमारा x² होगा 2c1, मतलब क्या होगा 2, और x कैंसिल आउट, प्लस यहाँ पे 1 वैल्यू, 1/x², तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है ना, अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई इधर से इधर करवाएं कि इधर से इधर करवाएं, एक्स स्क्वायर इसके साथ करवा देते हैं सारे के साथ, फिर ये 2 सारे के साथ, फिर 1/x² सारे के साथ, तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, है ना, इधर 3 है हमारे पार्ट्स, और इधर है हमारे 4 पार्ट्स है, तो उधर से ही करवा देते हैं, किसी से भी करवाइए, दोनों को तो मल्टीप्लाई करवानी ही होंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, x² मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मीन्स हमारे क्या x टू द पावर 8 हो जाएगा, फिर देखिए इसके साथ x² मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो -3, ठीक है, और x टू द पावर 4, फिर प्लस यहाँ पे हो रहा है x² मल्टीप्लाई, मीन्स हमारा कैंसिल आउट, ये हमारा 3 हो जाएगा, फिर x² इसके साथ मल्टीप्लाई, मीन्स यहाँ पे 1/x⁴ हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो 2x⁶, फिर 2 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, -6, और यहाँ पे क्या होगा x², फिर 2 इसके साथ करवा रहे हैं, तो क्या होगा +6/ यहाँ पे x², फिर 2 इसके साथ -2/x⁶, फिर देखिए अब 1/x² इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो x², और यहाँ पे है हमारा x⁶, x⁴ बचेगा, और वो भी हमारा पॉजिटिव में होगा, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव में होगा क्या होगा 3, और x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 बचेगा, ठीक है, -3 होगा, एंड देन यहाँ इसके साथ करवा रहे हैं, तो x², और यहाँ पे x² है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x⁴, देखिए इस तरीके से x⁴ हो जाएगा, ठीक ना, अब ये हमारा प्लस माइनस है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/x⁸ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 8 हो गया, देन अब उसी तरीके से है जिस तरीके से प्रीवियस का हम प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोग देखे होंगे तो बहुत ईजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उस लेक्चर को देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं उसमें भी,
यहाँ पे देखिए कि एक्स टू द पावर 8 कहीं और है कि एक्स टू द पावर 8 नहीं है, तो ये हम एज इट इज लिख देते हैं एक्स टू द पावर 8, ठीक है। नाउ अब देखिए एक्स टू द पावर 4 कहीं है क्या, एक्स टू द पावर 4 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, मीन्स हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, मीन्स हमारा क्या बचेगा, नेगेटिव ही बचेगा, तो क्या होगा माइनस टू बचेगा, है ना, माइनस टू बचेगा और एक्स टू द पावर 4 कहीं और है, नहीं है, तो यहाँ पे माइनस टू एक्स टू द पावर 4 होगा, होगा। नाउ अब देखिए यहाँ पे आते हैं 3, 3 और कहीं है नॉर्मल, हाँ माइनस 3 है, तो ये तुम्हारा कैंसल आउट ही हो जाएगा, ठीक। अब आई बात क्या, एक्स टू द पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर कहीं है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और कहीं है एक्स स्क्वायर क्या, ये हमारा एक्स टू द पावर 4 है और एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स टू द पावर 6 भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर मीन्स हमारा क्या होगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर एज इट इज रह गया और प्लस 2 एक्स टू द पावर 6 भी एज इट इज रह गया, ठीक है। नाउ अब बाई में आता है, 1 अपॉन करके था जो सो, ठीक है, तो 1 अपॉन में क्या था कि एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 और कहीं है, हाँ है यहाँ पे है, ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स तो क्या होंगे एलसीएम, तो हमारा एक्स टू द पावर 4 ही रहेंगे, फिर एक हमारा माइनस है और एक प्लस है, मीन्स क्या बचेगा 2 बचेगा ना, पॉजिटिव वाले 2 बचेंगे, 2 अपॉन में क्या होगा एक्स टू द पावर 4 बचेगा, देखिए इससे और इससे निकाले तो ये होगा। एंड देन उसके बाद आता है एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स में, क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स यहाँ है और कहीं है, नहीं है, तो प्लस यहाँ पे 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर किस में आते हैं एक्स टू द पावर 6 में आते हैं, ठीक है, एक्स टू द पावर 6, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 6 और कहीं है भाई में, नहीं है, तो माइनस 2 एक्स टू द पावर 6, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं यहाँ पे 1 अपॉन में एक्स टू द पावर 8 में आते हैं ना, वही वाला सिर्फ बचा हुआ है, तो माइनस 1 अपॉन में एक्स टू द पावर 8 हो गया। तो देखिए हमारे रिजल्ट किस तरीके से आएंगे, रिजल्ट देख रहे हैं तो एक्स टू द पावर 8 और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8 हो रहा है, मीन्स एक्स टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8 एक टर्म्स में लिखे, ठीक है, फिर एक्स टू द पावर 4 वाले टर्म्स ले लेते हैं या फिर 6 वाले ले सकते हैं, जो आप ले सकते हैं, ठीक है, अगर एक्स टू द पावर 8 ले रहे हैं तो 6 ले लीजिए, फिर 4 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल करके लेके चलते हैं डिक्रीजिंग में, तो देखे ना एक्स टू द पावर 6 यहाँ पे है और एक्स टू द पावर 6 यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक्स टू द पावर 6, हाँ, और कहीं है क्या एक्स टू द पावर 6, देखिए तो यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 हम कॉमन आउट कर सकते हैं ना माइनस 2 कॉमन आउट, तो माइनस 2 जैसे ही हम कॉमन आउट करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा माइनस 2 कॉमन आउट करेंगे या फिर 2 ही कॉमन आउट कीजिए, क्योंकि फिर ये हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, 2 ही कॉमन आउट करते हैं तो यहाँ पे बचेगा एक्स टू द पावर 6 और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6, इसे ही नेगेटिव में, क्योंकि यही फॉर्मेशन में हम जानते हैं वैल्यूज, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नाउ अब बची एक्स टू द पावर 4 और एक्स टू द पावर 4, मीन्स यहाँ देखिए यहाँ से भी कॉमन आउट हो सकता है, क्या कॉमन आउट हो सकता है, तो 2 कॉमन आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो 2 कॉमन आउट करेंगे तो क्या होगा, या फिर माइनस 2 कॉमन आउट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 ही कॉमन आउट कर लेते हैं, तो एक्स टू द पावर 4 ये हमारा पॉजिटिव टर्म्स होंगे और ये हमारा माइनस में चला जाएगा, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, देखिए इससे और इससे हम कॉमन आउट करते हैं माइनस 2 को, तो है ना। एंड देन इसके बाद अब क्या आती है, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स, तो स्क्वायर वाले टर्म्स यहाँ पे है और स्क्वायर वाले टर्म्स यहाँ पे है, तो क्या करेंगे माइनस 6 कॉमन आउट कर लेते हैं, है ना, तो माइनस 6 कॉमन आउट करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कुछ होंगे क्या, देखिए यही टर्म्स के फॉर्मेशन में आ गया। अब इस टर्म के फॉर्मेशन में आना मीन्स हम जानते हैं इसकी वैल्यू, क्योंकि जो हमारा माइनस में होता है तो हमारा साइन में आता है, 2i sin थीटा बोलते हैं ना, सिंपल x माइनस 1 अपॉन x की जो वैल्यू होती है 2i sin थीटा होती है, तो x टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2i sin 8 थीटा हो जाएगी, सिंपल यहाँ पे 8 थीटा आएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे पावर कुछ भी रहे तो वही हमारा थीटा में आ जाता है, ठीक, क्योंकि हमारा डिमोबियस थ्योरम चल रहा है ना। देन तो देख रहे हैं कि जो हमारा LHS में था, ठीक है, तो LHS में हमारा क्या था, तो उसी की वैल्यू तो हमारी ये आ गई है, मीन्स हमारा क्या था 2i sin थीटा, 2i sin थीटा ही का क्या था हमारा क्यूब था, ठीक है, और 2 cos थीटा की जो थी पावर वो हमारी 5 थी, ठीक, तो इसी की वैल्यू आ चुकी है इस तरीके से, देखिए प्लस 2 x टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 6 माइनस 2 x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 और एक हो गया है माइनस 6 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर,
ये टर्म्स हमारे हो गए, ठीक है ना। इसको भी स्प्लिट करते हैं और इसे भी स्प्लिट करते हैं, देन फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा। 2 की पावर यहाँ पे 3 होगी, आई ये हमारा क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 5 होगी और यहाँ पे कॉस टू द पावर 5 थीटा, दिस इज इक्वल टू। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, तो 2i साइन 8 थीटा प्लस यहाँ पे ये 2 हमारा है, ठीक है, और एक हमारा 2 आ जाएगा, मीन्स हमारा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, तो 4i साइन 6 थीटा, और यहाँ पे भी तो क्या हो जाएगा, 4i साइन 4 थीटा, और यहाँ पे हमारा माइनस में है माइनस 6 और फिर 2 आएगा, तो मीन्स हमारा 12 हो जाएगा, सिंपल 12 लिख सकते हैं, 12i साइन 2 थीटा। तो ये वैल्यूज हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा आई क्यूब मीन्स हमारा क्या होता है, आई क्यूब और कहीं है कुछ आई क्यूब, ओके 8 थीटा 2 पावर 7, हाँ देखिए तो क्या होगा कि आई एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे जो होता है वैल्यूज की, तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है ना, -1, तो आई स्क्वायर मल्टीप्लाई विद आई कर सकते हैं ना, तो ये -1 मल्टीप्लाई विद आई क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा, फाइनल जो इसकी वैल्यू होगी वो -i हो जाएगी ना, -i हो सकता है ना, इसके -i, तो इसकी -i, और यहाँ 2 की पावर कितनी हो जा रही, 2 यहाँ बेस सेम है तो पावर एडिंग होता है, तो हमारा 5 और 2 7 हो जाएगा, 2 की पावर 3 है और हमारा 5 है तो हमारा 8 हो जाएगा, 7 बोल रहे हैं, 8 हो जाएगा, एडिंग भी कर रहे किस तरीके से, 8 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और ये कॉस टू द पावर 5 थीटा, दिस इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आउट कर सकते हैं, हाँ 2 कॉमन आउट सकता है, 4 नहीं हो सकता, 12 भी नहीं हो सकता, 2 कॉमन आउट हो सकता है, सबसे लेनी है, और आई देखिए सब में है तो 2i हम कॉमन आउट कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए साइन 8 थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 होगा साइन 6 थीटा माइनस यहाँ पे 2 साइन 4 थीटा, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आउट कर लिए तो हो जाएगा 8 ना 2 सॉरी 6 12 होता है ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और जो कि हमारा हो जाएगा क्या, साइन 2 थीटा हो सकता है, हो गया। देन तो 2i और यहाँ से देखिए 2 एक यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये i भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, i और 2i कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स इन माइनस है तो हम इधर भेज सकते हैं इसको, तो हमें चाहिए क्या, साइन क्यूब थीटा और कॉस टू द पावर 5 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमारी नेगेटिव में आ जाएगी, और ये जो वैल्यूज है ये हमारे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई ना, तो 1 अपॉन में क्या 2 का पावर 7, ठीक है। एंड देन हमारा साइन 8 थीटा प्लस 2 साइन 6 थीटा माइनस 2 साइन 4 थीटा माइनस 6 साइन 2 थीटा, दिस इज द आंसर, ये हमारी आंसर हो गई। 2 की पावर 7 आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे भी इस तरीके से छोड़ सकते हैं, दिस इज द आंसर। तो आंसर निकालना समझ में आया किस तरीके से हुआ, ये किस तरीके से इसको फाइंड आउट किए, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करनी है, ठीक है, अदर भी क्वेश्चन जितने भी रहेंगे, थीटा के जगह पे फाई हो सकता है या कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फाई साई कुछ भी दिया रहेगा एग्जाम में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कि वहाँ पे थीटा ही होगा, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, बट बनाने की जो प्रोसेस होती है यही प्रोसेस होती है, इसी तरीके से सॉल्व करनी है एक्सपेंशन वाले अगर आए एग्जाम में तो, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है।